दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 15 साल की उम्र में इस हीरोइन ने दिया था पहला न्यूड सीन। सुपरहिट तो हो गई पर लगा करियर पर धब्बा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 80 के दशक की एक्ट्रेस पद्मनी कोल्हापुरी की। खूबसूरती का वह दौर जिसमें हर कोई उनका दीवाना था, और ये बात तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पद्मनी कोल्हापुरी एक्ट्रेस के अलावा एक गायिका भी है। बतौर चार एक्ट्रेस पद्मनी ने यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त फिल्मों में कोरस सिंगर के तौर पर गाना गाया था। इसके बाद पद्मनी ने अपनी अगली फिल्मों में गाना शुरू किया जिसमें विधाता, सात सहेलियां शामिल है। साल 1982 में पद्मनी कोल्हापुरी की प्रेम रोग फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में पद्मनी ने एक ऐसी लड़की का रोल निभाया था जो कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस फिल्म ने पद्मनी को रातों रात स्टार बना दिया, यहां तक कि राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। सुपरहिट फिल्म होने के बावजूद पद्मनी ने कुछ फिल्मों में ऐसे सीन दिए जिसकी वजह से लोग उन्हें एडल्ट एक्ट्रेस बुलाने लगे थे। करियर के शुरुआती दौर में पद्मनी ने 1980 में रिलीज फिल्म गहराई में एक न्यूड सीन देकर तहलका मचा दिया। इसके बाद बीआर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में रेप सीन ने बवाल मचा दिया। उस वक्त पद्मनी की उम्र महज 15 साल की थी। इस फिल्म में जीनत अमान और राज बब्बर मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म में पद्मनी का रोल नाबालिग लड़की का था। पद्मनी ने राज बब्बर के साथ दुष्कर्म का सीन दिया था। इस एक सीन के बाद लोग पद्मनी को एडल्ट एक्ट्रेस के रूप में देखने लगे। पद्मनी कोल्हापुरी ने कई सारी हिट फिल्में दी है जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पद्मनी कोल्हापुरी और श्रद्धा कपूर का रिश्ता काफी खास है। दरअसल पद्मनी की बहन शिवांगी की शादी शक्ति कपूर से हुई थी, जिस वजह से पद्मनी कोल्हापुरी श्रद्धा कपूर की मासी है। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। आपको बता दें कि पद्मनी ने साल 1986 में शादी की थी। पद्मनी ने फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा के साथ लव मैरिज की। तो दोस्तों ये थी कहानी पद्मनी कोल्हापुरी की। आपको पद्मनी कोल्हापुरी की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है, उस फिल्म का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।